नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे महाराष्ट्र राज्य में स्थित माथेरान हिल स्टेशन के बारे में। माथेरान समुद्र तल से 2600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माथेरान हिल स्टेशन मुंबई से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, जो वीकेंड पर आने वाले पर्यटकों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है, जहां पर्यटकों की भीड़ देखी जा सकती है। यह हिल स्टेशन उन पर्यटकों के लिए बेहद लोकप्रिय है जो शानदार वातावरण और शांति के बीच एक छोटी यात्रा की तलाश में रहते हैं। आखिर माथेरान हिल स्टेशन क्यों फेमस है, तो हम आपको बता दें, माथेरान सबसे ज्यादा अपने सुखद वातावरण, हरी भरी पहाड़ियाँ, प्रदूषण रहित ताजी हवा, अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाले नज़ारों और यहाँ चलने वाली टॉय ट्रेन के लिए फेमस है। इसमें कुल 36 पॉइंट्स हैं, जहां से आप सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के आकर्षक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। इनके अलावा माथेरान ट्रेकिंग और कैंपिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए भी फेमस है। माथेरान की यात्रा किसे करना चाहिए, यदि आपके मन में भी यही सवाल है तो हम आपको बता देते हैं। माथेरान हिल स्टेशन एक ऐसी जगह है जिसकी यात्रा आप फैमिली के साथ, वेकेशन, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड और अपने लाइफ पार्टनर के साथ हनीमून पर जा सकते हैं। माथेरान हिल स्टेशन कैसे पहुँचें? माथेरान हिल स्टेशन की यात्रा के लिए पर्यटक ट्रेन और सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा कर सकते हैं। यदि आप ट्रेन से ट्रेवल करके माथेरान घूमने जाने वाले हैं, तो हम आपको बता दें, माथेरान में एक रेलवे स्टेशन है जो एक टॉय ट्रेन के माध्यम से नेरल जंक्शन और स्थानीय ट्रेन के माध्यम से नेरल स्टेशन से जुड़ा हुआ है। हर रेलवे स्टेशन कई नियमित ट्रेनों के माध्यम से प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। नेरल स्टेशन से माथेरान जाने के लिए आपको दस्तूरी नाका तक टॉय ट्रेन या कारों पर निर्भर रहना पड़ता है। नेरल स्टेशन से माथेरान की दूरी 10 किलोमीटर है। अगर आप बाय रोड ट्रेवल करना चाहते हो तो माथेरान सड़कों के माध्यम से कई प्रमुख पड़ोसी शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मुंबई पुणे हाईवे माथेरान को कई प्रमुख शहरों से जोड़ता है। मुंबई से माथेरान की दूरी 83 किलोमीटर है और पुणे से माथेरान की दूरी 123 किलोमीटर है। माथेरान में कुल 36 पॉइंट्स है, तो सारे पॉइंट्स घूमने के लिए आपको 2 या 3 दिन का समय लगता है। आप घोड़ों पर बैठकर दिन में 10 से 12 पॉइंट्स आराम से घूम सकते हैं। माथेरान में आप अगर रुकना चाहते हैं, तो आपको बता दें, माथेरान के आसपास और माथेरान में सभी बजट की होटल्स, लॉज, रिसॉर्ट्स और होमस्टे फैसिलिटी अवेलेबल है। माथेरान के प्रसिद्ध स्थानीय खाना में सबसे ज्यादा वड़ा पाव, भेल, भुट्टा और भी कई स्ट्रीट फूड भी शामिल है। इनके साथ साथ शहर के कई रेस्टोरेंट में गुजराती, महाराष्ट्रियन, पंजाबी, यहाँ तक कि चाइनीज फूड भी सर्व करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कौन से वो बेस्ट पॉइंट्स हैं जहाँ आपको घूमना चाहिए। शुरुआत करते हैं चारलोट झील से। आबादी वाले जंगल के बीच स्थित होने के कारण आपको यहाँ विभिन्न रंग बिरंगे पक्षियों को देखने का मौका भी मिलता है। जब भी आप माथेरान हिल स्टेशन की ट्रिप में चारलोट झील आएंगे, तो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ पिकनिक एंजॉय कर सकते हैं। बता दे, झील के एक तरफ भगवान शिव का एक पुरातन मंदिर भी है, जिसके दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। अगला पॉइंट है इको पॉइंट। इको पॉइंट एक ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा अपने द्वारा उत्पन्न होने वाली प्रतिध्वनियों और गूंज के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ी की चोटी से पूरे क्षेत्र का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। हरी घास की चादर ओढ़े सह्याद्री के पहाड़ देखने लायक हैं। खड़ी चट्टान के ऊपर स्थित इको पॉइंट रस्सी पर चढ़ने और जिप लाइनिंग जैसी साहसिक गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। इको पॉइंट खाने के शौकीनों के लिए भी खास है, क्योंकि विभिन्न स्टॉल और छोटी दुकानें उचित कीमतों पर स्वादिष्ट स्थानीय महाराष्ट्रियन व्यंजन उपलब्ध कराती हैं। अगला पॉइंट है हनीमून पॉइंट। हनीमून पॉइंट माथेरान का एक नज़ारा है जो भारत के ग्रैंड कैनियन के नाम से प्रसिद्ध है। इस बिंदु से पहाड़ों और पास के प्रबलगढ़ किले का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। हनीमून पॉइंट माथेरान का सबसे बड़ा वैली क्रॉसिंग पॉइंट है, जो इसे एडवेंचर के शौकीनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है लुइसा पॉइंट। लुइसा पॉइंट मुख्य बाजार क्षेत्र से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां आप ट्रेकिंग करते हुए आसानी से जा सकते हैं। यकीन माने, एक बार जब यहां पहुंच जाएंगे तो इसके खूबसूरत दृश्यों और ठंडी ठंडी हवा को फील कर सकते हैं, जो आपकी सारी थकान और परेशानियों को भूलने पर मजबूर देंगे। लुइसा पॉइंट पर पहुंचने के बाद पर्यटक यहां से दो अलग अलग दृश्यों को देख सकेंगे।
एक दृश्य पहाड़ को छूते हुए आकाश का और नीचे घाटी का मनोरम दृश्य है। दूसरा दृश्य सुरम्य शेरलोट झील का है, जो हीरे के हार की तरह दिखती है। अगला पॉइंट है मंकी पॉइंट। माथेरान में घूमने की सबसे अच्छी जगह में शामिल मंकी पॉइंट के नाम से ही पता चलता है कि यह बंदरों की आबादी के लिए फेमस है। आप अपनी यात्रा के दौरान जब भी यहां आएंगे तो पहाड़ों और गहरी घाटियों के सुंदर दृश्यों के साथ साथ यहां उछल कूद करते हुए बंदरों को देख सकेंगे। ये बंदर कभी कभी आक्रामक हो सकते हैं, इसीलिए यहां बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आप इस स्थान पर अपने साथ कोई भी खाद्य पदार्थ या ध्यान आकर्षित करने वाली वस्तुएं न ले जाएं। अगला पॉइंट है पैनोरमा पॉइंट। पैनोरमा पॉइंट पश्चिमी घाटों के 360 दई गरड़ी मनोरम दृश्य और नीचे के गांवों के साथ हरे भरे मैदानों के खूबसूरत नज़ारों को प्रस्तुत करता है। यह स्थान माथेरान के अन्य बिंदुओं की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम भीड़ भाड़ वाला है, क्योंकि इसे ट्रेक करने की आवश्यकता होती है। पैनोरमा पॉइंट फोटो के दीवाने और रोमांस चाहने वालों के लिए भी बेहद आकर्षक जगह है, क्योंकि यह सूर्यास्त और सूर्योदय के भव्य दृश्य, बादलों, घाटी, झील और चोटियों के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है, जिन्हें कोई भी अपने कैमरे में कैप्चर करके अपनी इस ट्रिप को मेमोरेबल बना सकता है। अगला पॉइंट है वन ट्री हिल पॉइंट। पहाड़ी की चोटी पर सिर्फ आपको एक पेड़ देखने को मिलेगा, जिस वजह से इसका नाम वन ट्री हिल पॉइंट रखा गया है। वन ट्री हिल पॉइंट माथेरान के हिल स्टेशन के चारों ओर गहरी घाटियों और फैले हुए जंगलों का मनोरम और अबाधित दृश्य प्रस्तुत करता है। यह हिल पॉइंट ट्रेकिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। पहाड़ी की चोटी तक 100 मीटर ट्रेक टेंट हिल और चौक गांव के आसपास के पर्यटन स्थलों को देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं माथेरान घूमने जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। माथेरान घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से मई और अक्टूबर से जनवरी का है। इस दौरान माथेरान में दर्शनीय स्थलों की यात्रा और ट्रेकिंग के लिए मौसम सुहावना होता है। अप्रैल से जून तक तापमान 22 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जिससे माथेरान मुंबई और पुणे जैसे आसपास के शहरों की गर्मी को मात देने के लिए एक बेहतरीन जगह है। अक्टूबर से जनवरी के तक माथेरान में मानसून के बाद का मौसम है। इस समय के दौरान तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो इसे धुंध भरी पहाड़ियों और ठंडी हवा के साथ आदर्श हिल स्टेशन बनाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्लेस के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। आपकी यात्रा मंगलमय हो।